विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर राजनांदगांव जिले के छुई खदान स्थित मंगल भवन में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुट जाने को कहा। वहीं उन्होंने टिकट के दावेदारों को दो टुक लहजे में कहा कि टिकट शक्ति प्रदर्शन से नहीं उनके काम के आकलन से मिलेगा। गौरतलब है कि जनता कांग्रेस जे से खैरागढ़ विधायक रहे स्वर्गीय देवव्रत सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई है और अब इस सीट पर विधानसभा उपचुनाव होना है। देखिए, संगठन का काम सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, चुनाव आते हैं चुनाव जाते हैं, मगर संगठन अपना काम करते रहता है। जब भी कोई चुनाव हो उस चुनाव में दमदारी के साथ संगठन खड़े होकर चुनाव लड़ सके, हम अगर पूरे प्रदेश में हम लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं। 10 लाख छत्तीसगढ़ को सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया है और हम लोग बूथ कमेटियाँ 2018 में भी बूथ कमेटियों को हमने मतदान किया था। बूथ जीतेंगे तो हर चुनाव जीत सकते हैं, इसीलिए बूथ कमेटियों का भी गठन प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है ताकि 2023 का चुनाव 2024 का चुनाव हम दमदारी के साथ लड़ सकें, वो हमारी तैयारी है। और आप सबको पता है खैरागढ़ में संभावित उपचुनाव भी है, इसीलिए हम कार्यकर्ताओं को नब्ज टटोलने, कार्यकर्ताओं को बूथ कमेटी में प्रसन्न करने, सदस्यता अभियान चलाने के लिए कार्यकर्ताओं को ये निर्देश हमने दिया है। देखिए, हम लोग एक संगठन के मुखिया होने के नाते मेरे मन में कभी अध्यक्ष की भावना नहीं है, मुझे मेरे मन में एक कार्यकर्ता की भावना है। पार्टी ने, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने मुझे काम करने का अवसर दिया है, तो मैं कांग्रेस पार्टी की रीति नीति परंपरा, कांग्रेस पार्टी को हम जमीनी स्तर पर कैसे मजबूत करें उसके लिए काम करते हैं। अभी हमने नगरीय निकाय चुनाव में इतिहास में पहली बार 14 के 14 नगर निगम जीते, जो 3 उपचुनाव हुए हैं, जो असंभव लगता था दंतेवाड़ा उपचुनाव, मरवाई उपचुनाव, उसको भी हमने जीता, और खैरागढ़ उपचुनाव भी हमारी जो चुनौती है उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम जमीनी स्तर पर काम करेंगे। हमें लगता है कि कार्यकर्ताओं के मेहनत के दम पे ये चुनाव भी जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 3 साल का जो कार्यकाल है इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बहुत अच्छा काम की है, इसीलिए नीति आयोग, रिजर्व बैंक, अन्य सूबों की सरकार, छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार की तारीफ हो रही है। आज एक रोल मॉडल, कभी गुजरात मॉडल की बात होती थी, आज छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हो रही है माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार। और कांग्रेस पार्टी ने जो छत्तीस वादों में हम 24 वादों से ज़्यादा अधिक वादे पूरा किए हैं। बचे 2 वर्षों में हमारी सरकार के जो कार्यकाल बचे हैं उस कार्यकाल